दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जो है आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एंड टीबी हेल्थ विजिटर। तो दोनों ही पोस्ट पे जो है यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा गया है दोस्तों। क्योंकि बहुत से बच्चों क्या है कन्फ्यूजन होता है, पोस्ट का नाम होता है अलग लेकिन वो समझ नहीं पाते कि इनमें जो क्वालिफिकेशन है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा या कोर्स मांगा गया है। तो पहले ही मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इस नाम से ये पोस्ट आई है और इसमें जो है क्वालिफिकेशन बेसिक क्वालिफिकेशन जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगी गई है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, सभी वैकेंसीज हम आपको यहाँ पर बताएंगे और सैलरी क्या मिलने वाली वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, कितना वैकेंसी है सारी चीज़, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ नोटिफिकेशन डेट आप देख सकते हो 15 जुलाई 2021 का है, लेटेस्ट है। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे पहला जो पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर का, 3 पोस्ट है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है सीट डिवाइड की हुई है, तो जनरल का 2 सीट है, एससी का 1 सीट है। और यहाँ मंथली जो सैलरी की बात करें तो 60,000 रुपये सैलरी मिलेगा दोस्तों। सेकंड नंबर की जो पोस्ट है तो सेकंड नंबर की पोस्ट पे अपन बात करेंगे, यह है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 2 वैकेंसीज है और दोनों ही पोस्ट जो है आपके एससी कैटेगरी की। सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपये सैलरी है। थर्ड नंबर का जो पोस्ट है वो है आपके सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इसमें आपके 4 पोस्ट है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज इन्होंने सीट डिवाइड किए हुए, तो एससी का जो है 2 सीट है, एसटी का 1 सीट है और ओबीसी ए का जो है 1 सीट है। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 25,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट जो है वह 4th नंबर पे आपकी है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है। और यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो 6 पोस्ट है और सीट की बात करें यहाँ पर तो यूआर के 3 सीट है, एससी का 3 सीट है। सैलरी की बात करें तो 22,000 रुपये इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका 5 नंबर पर वह है ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर का है। और यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो 4 पोस्ट है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट डिवाइड की है, तो एससी का 3 सीट है, एसटी का 1 सीट है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 18,000 रुपये आपको इस पोस्ट पे सैलरी दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी 6 नंबर का जो है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर का है, 1 पोस्ट है और वो जनरल का है और 26,000 रुपये इसका सैलरी है दोस्तों। यहाँ पर जो है आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हो, प्रिफ्रेंस क्वालिफिकेशन देख सकते हो और जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हो। पोस्ट वाइज जो है इन्होंने कैटेगरी यहाँ पर लिखा हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस कॉलम में लिखा है, प्रिफ्रेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें लिखा है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी इस कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर का जो पोस्ट था आपका मेडिकल ऑफिसर का, तो यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमबीबीएस मांगा है और इक्विवेलेंट डिग्री फॉर्म इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मस्ट हैव कम्प्लीट कंपल्सरी एंटरशिप भी मांगी इन्होंने, ठीक है। और प्रिफ्रेंस क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ तो आप देख सकते हो डिप्लोमा या एमडी पब्लिक हेल्थ या पीएसएम या कम्युनिटी मेडिसिन या सीएचए या ट्यूबरकुलोसिस चेस्ट डिजीज। 2 नंबर पे बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ए आरएनटीसीपी से होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होना चाहिए। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी इस कॉलम में देखा हुआ है क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी मेडिकल ऑफिसर का, वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। सेकेंड नंबर का जो पोस्ट था आपका एसटीएसटी ने ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है यह एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर में कंप्यूटर मिनिमम 2 मंथ और यहाँ पर दे रखा है परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हो प्रिपेंशन क्वालिफिकेशन दे रखा है ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या डिप्लोमा इन सोशल वर्क और मेडिकल सोशल वर्कर सक्सेसफुल और बेसिक ट्रेनिंग कोर्स मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप यहाँ पर इस कॉलम में देख सकते हो क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पर एसटीएस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर का जो पोस्ट था वो है आपका ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का था। और यहाँ पर जो है इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट मांगा है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का मांगा है और इक्विवेलेंट फॉर द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर मिनिमम 2 मंथ परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस। और यहाँ पर प्रिपेंस जो है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एनटीईपी वालों को दिया जाएगा। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी आप इस कॉलम में देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है 4th नंबर का वो है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है। और यहाँ पर आप जो है इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन देख सकते हैं इंटरमीडिएट 10+2 डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट फॉर द गवर्नमेंट रेगुलाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस एन टी ई पी और स्पूटम स्मियर माइक्रोस्कोपी। कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन टू बी गिवन प्रिफरेंस लाइक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट।
जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप इस कॉलम में देख सकते हैं, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो है इस कॉलम में बता रखा है दोस्तों। फाइव नंबर का जो पोस्ट है वो है आपका यहाँ ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर का है, और यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, ग्रेजुएट मांगा है या फिर आपके पास होना चाहिए इंटरमीडिएट 10+2 एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग हैज MPW लेडी हेल्थ विजिटर NM हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन या हायर कोर्स इन हेल्थ एजुकेशन काउंसिल या ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर मिनिमम 2 मंथ, और प्रेफरेंस जो है यहाँ पर दी जाएगी जिसके पास MPW का कोर्स है या सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स है उनको पहले जो है इस पोस्ट पर वरीयता दी जाएगी दोस्तों। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप इस कॉलम में देख सकते हैं। 6 नंबर का जो पोस्ट है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट PPM कोऑर्डिनेटर का है, और यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन इस कॉलम में और प्रिपेंस क्वालिफिकेशन इसमें है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी इस कॉलम में दे रखी है दोस्तों। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है या ग्रुप भी जो है ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर हम आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे, तो आप इसको पूरा पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपके क्वालिफिकेशन चेक करिएगा और उसके बाद ही जो है आप अप्लाई करिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है साथ के साथ में सभी पोस्ट की जो है यहाँ पर एज क्राइटेरिया भी दे रखा है दोस्तों। और इसकी जो है लास्ट डेट आप देख सकते हो 31 जुलाई 2021, और आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके जो है ये मेल आईडी दे रखी है, यहाँ पर ये मेल आईडी देख सकते हो, इस मेल आईडी पे जो है सेंड करना है, ठीक है, लेकिन 31 जुलाई 2021 से पहले करना है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप मेरी दी जानकारी संतुष्ट होंगे, तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।